हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका है दिल्ली में। मैं आज बनाऊंगी पकौड़ी की रेसिपी एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। 5 से 6 आलू को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने एक बाउल में 3 कप बेसन ऐड किया है। 3 कप बेसन एकदम परफेक्ट होगा 5 से 6 आलू के लिए। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और वैसे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और इसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्चों को कट करूँगी। तो यहाँ पर मुझे 7 से 8 हरी मिर्चों को कट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो हरी मिर्च को जब आप कट करें तो इसमें बीच में से कट लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को कट कर दिया है। अब 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। चाट मसाले से एकदम अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है पकौड़ियों में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पकौड़ी बनने के बाद भी चाट मसाले को ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब बस मैं बैटर को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो एकदम से आप पानी ना ऐड करें, पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर हो गया है। हल्का सा मैं इसमें काला नमक स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म होने रख दिया था। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे आलू को कोट करके यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो आपको जब आलू को इसमें ऐड करना है तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जो पकौड़ियों की कोटिंग होती है वो हट जाती है। इसीलिए आप मीडियम हीट ऑयल में पकौड़ियों को ऐड करें, इससे जो पकौड़ी है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाती है। इसीलिए पहले मैंने यहाँ पे ऑयल को मीडियम हीट कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं पकौड़ियों को यहाँ पे इफ्तियारी में बना रही हूँ, तो आपको पता है कि इफ्तियारी में तो पकौड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और अब मैंने यहाँ पे सारे आलू कोट करके ऐड कर दिए हैं। और अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे, जब तक इसका कलर जो है बेसन का थोड़ा डार्क नहीं हो जाता, जब तक हम इसको क्रिस्पी करेंगे। और आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। और अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। तो पकौड़ी की जो रेसिपी है वो कम्प्लीट हो गई है। और आप घर पे ऐसे ही पकौड़ियाँ बना सकते हैं बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद सो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।